प्रोसेस कॉस्टिंग के थर्ड पार्ट है अपना, और थर्ड पार्ट में मैंने पिछले थर्ड पार्ट में आएगा आपके सामान्य हानि, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, असामान्य हानि और स्क्रैप। असामान्य जो हानि होती है, जिसे अपन एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं, उसकी गणना करने के लिए टोटल कॉस्ट में से पहले असामान्य हानि की के वजह से हानि हुई है, जिसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, उसे घटाएंगे, भाग लगाएंगे कुल इकाइयां माइनस नॉर्मल वेस्टेज, और उससे आप इसकी गणना करते हैं। एक इसमें आता है एबनॉर्मल गेन, असामान्य बचत। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई सामान्य हानि 10% होती है, अगर 100 किलो माल है तो सामान्य हानि कितनी होती है, 10% होती है, यानी कि 90 किलो होती है। लेकिन किसी वजह से, अगर किसी वजह से यह आपकी सामान्य हानि कम हो, 100 किलो माल है, 10% आपके उड़ जाता है, छीजत हो जाती है, कुछ भी जाता है, बचा कितना 90 है, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से अगर सामान्य हानि कम होती है, आपके अच्छे मैनेजमेंट के कारण अगर ये सामान्य हानि कम होती है, तो जितना आप अतिरिक्त तो उत्पादन कर पाएंगे सामान्य हानि की कमी की वजह से, उसे हम कहते हैं असामान्य बचत, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल जो गेन होता है, ये हमेशा प्रोसेस खाते के टू साइड में लिखा जाता है, इसे हमेशा प्रोसेस खाते के टू खाते में लिखते हैं। कई बार क्या होता है कि जो प्रोसेस खाते होते हैं उसके अंदर हम माल को बेच भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु के निर्माण के लिए हमें 3 बार उस पर काम करना पड़ता है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, 3 प्रोसेस। आपने प्रोसेस ए में माल बनाया, मान लीजिए 300 किलो, और आपने कहा कि 200 किलो तो जाएगा अगले प्रोसेस में और 100 किलो हम यही बेच देंगे उसको, तो आप कुछ माल प्रत्येक प्रक्रिया में उसी स्थिति में वैसा वैसा बेच सकते हैं, लेकिन उस वस्तु की पर्याप्त मांग होनी चाहिए। उसके बाद में आता है इंटर प्रोसेस लाभ, अंतः प्रक्रिया लाभ। अंतः प्रक्रिया लाभ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं आपको इसका एक पीडीएफ डालूंगा, जो पीडीएफ आपको करना है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो एक प्रश्न तो उसमें ये बनता है कि प्रक्रिया परिव्यंकन की सामान्य विशेषताएं बताइए, निर्माण की प्रक्रिया में सामग्री के सामान्य व असामान्य क्षय से आप क्या समझते हैं, परिवय लेखों में इन्हें कैसे दिखाया जाएगा। एक तो ये बनता है, एक से बनती है टिप्पणियां कि सामान्य हानि, असामान्य हानि, या सामान्य लाभ या असामान्य लाभ, इनके अंदर टिप्पणियों का एक प्रश्न बनता है। मैं जो प्रश्न होगा, मैं आपको ये प्रश्न पीडीएफ के रूप में आपको मैं इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला टॉपिक हमारा आता है सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब आप उत्पादन करें और सामान्य क्षमता का मतलब आपकी जो मशीन कैपेसिटी है उसकी सामान्य क्षमता, और सामान्य क्षमता में भी आप वस्तु की मांग के अनुसार उत्पादन करते हैं, तो उसे कहते हैं उत्पादन। मान लीजिए कि आपकी वस्तु की जो मांग है वो है 100 किलो माल की, लेकिन आप बनाना चाहते हो 110 किलो, तो सामान्य क्षमता के ऊपर यदि आप एक्स्ट्रा उत्पादन करेंगे, अतिरिक्त उत्पादन करेंगे, तो उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। 100 किलो माल बनाना चाहते हो, लेकिन आप बनाते हो कितना, 110 किलो, तो 10 किलो जो अतिरिक्त बनाएंगे उसे हम कहेंगे सीमांत उत्पादन, और इसमें जो लागत आएगी उसे सीमांत लागत लेखांकन कहते हैं। धन्यवाद।